गुड आफ्टरनून बच्चों, अपने आगे वाले टॉपिक चालू करते हैं। मेरी बात सुनो, अपना चैप्टर कौन सा चल रहा है? अदर सोर्स। अदर सोर्स में कल मैंने आपको चार्जिंग सेक्शन कौन सा बताया था? 56, जो क्या कहता है, दो उसके सबसेक्शन है, सबसेक्शन 1 और 2। 1 में क्या पढ़ा था अपन ने कि सेक्शन 56 1 कहता है कि ये 5 इनकम ऐसी है, अमेंडमेंट के बाद तो वो 6 भी है, कि ये इनकम वो इनकम है जो हमेशा हमेशा अदर सोर्सेज में ही आएंगी। मतलब जो मैं आपको अभी 56.1 पढ़ा रहा हूँ, इसमें बच्चों मैं जो भी इनकम आपको पढ़ाऊंगा समझाऊंगा, उसके लिए आप लोग क्लियर रहोगे कि ये हमेशा इन इनकम पर कौन सा ऐड लगता है, अदर सोर्स, ठीक है। और सेक्शन 56.2 जब ये खत्म होने के बाद अपन पढ़ेंगे तो उसमें अपन क्या पढ़ेंगे कि ये वो इनकम है जिनको पहले 4 हेड ने जगह नहीं दी तो मजबूरी में फिर अदर सोर्सेस ही बचा था। तो वो तो अभी बात की बात है। पहले अपन 56.1 पढ़ रहे हैं जिसमें अपना एक टॉपिक खत्म हो गया, डिविडेंड, जिसमें अपन ने पढ़ा था कि डिविडेंड हमेशा अदर सोर्सेज में ही आएगा। डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर। उस पर कौन सा टैक्स लगता है? DDT लगता है। कितनी तरह का होता है? अगर डोमेस्टिक कंपनी देती है तो 5 तरह का होता है, जिसमें पहले 4 पर 20.55 की रेट से टैक्स लगता है और आखिरी वाले पर 30 से लगता है, ठीक है। ये पढ़ा दिया था। और शेयर होल्डर को वो क्या होता है? एग्जेम्प्ट। और एक और लास्ट पॉइंट, अगर डिविडेंड ए से लगा के डी का है, 10 लाख से ज्यादा मिला किसी इंडिविजुअल HUF वगैरह को, तो जितना 10 से ज्यादा है उस पर 10% टैक्स इंडिविजुअल और देगा। समझ में आया? अब यूं तो एग्जेम्प्ट था, लेकिन 10 लाख से ज्यादा होने की वजह से वो 10% और दे रहा। तो ये मैंने क्लियर कर दिया था। नेक्स्ट इनकम जो अदर सोर्सेज में ही आएगी, उसका नाम क्या है बच्चों? कैजुअल इनकम। अब कैजुअल इनकम क्या होती है समझो बच्चों। कैजुअल मतलब क्या होता है? जिसके लक बाय चांस, एक तरह से कह सकते हैं ये वो इनकम है जिसको आप ये बोल सकते हो कि मेहनत से नहीं कमाई गई, इसमें आपका लक फैक्टर काम कर रहा था। मेरी बात समझ में आई? कैजुअल इनकम को गवर्नमेंट कहती है 5वें हेड में ही कवर करना है, क्योंकि ये इनकम ना तो नौकरी से हुई है, ना कोई चीज किराए पे देने से हुई है, ना ये कोई प्रोफेशन है। इसमें उस इंसान ने अपना लक यूज किया, और लक यूज करके पैसे कमाना कहलाता है कैजुअल इनकम, जिसे गवर्नमेंट थोड़ा चिढ़ती है। अब मैं वर्ड वो यूज कर रहा हूं चिढ़ती है, इसका मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट नहीं चाहती कि लोग कैजुअल इनकम अर्न करें, कैजुअल इनकम की तरफ फोकस करें, इसलिए गवर्नमेंट कहती है इस तरीके से पैसे कमाओगे तो हमारा रूल थोड़ा स्ट्रिक्ट रहेगा। रूल स्ट्रिक्ट रहना मतलब टैक्स रेट ज्यादा होगी, बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, और आपको दूसरी इनकम की बजाय इस इनकम में नुकसान ज्यादा उठाना पड़ेगा। तो बच्चों अपन को क्या पढ़ना है? पहले तो अपन को पढ़ना है वो कौन कौन सी इनकम है जो कैजुअल कहलाएंगी, एक तो ये टॉपिक, और दूसरा अगर मैं जो पैसे कमाता हूं फाइनली मेरे को पता चल गया वो कैजुअल है तो उसका गवर्नमेंट ट्रीटमेंट क्या करेगी, और एग्जाम में भी अपन को उस ट्रीटमेंट के दौरान क्या ध्यान रखना। तो पहले सुनो बच्चों, कैजुअल इनकम मतलब एक तो क्लियर हुआ, क्या कौन कौन सी इनकम कैजुअल कहलाएगी बच्चों सुनो क्या लिखा हुआ है। एनी अमाउंट ऑफ विनिंग, विनिंग मतलब जीतना, लक हो गया। विनिंग कहां से? लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेस, कार्ड गेम्स, क्रॉसवर्ड पजल्स एंड अदर गेम्स। मतलब अगर आप किसी भी प्रकार से पैसे जीतते हो, चाहे लॉटरी में पैसे लगाते हो या फिर आप क्रिकेट मैचेस पे पैसे लगाते हो, गैम्बलिंग आपको पता है सट्टा वगैरह हो गया, हॉर्स रेस में पैसे लगाते हो, हॉर्स रेस अपने यहाँ होती है ना मुंबई वगैरह के अंदर, कार्ड गेम्स में, पजल्स में, अदर गेम्स में। अदर गेम्स मतलब क्या? KBC भी इसी में आता है। KBC में पैसे जीते तो वो भी एक प्रकार की विनिंग है। बोलता ना कि आप इतने रुपए जीतते हो, कोई रेडियो में आप पैसे जीत गए, कोई TV के क्विज कॉन्टेस्ट में आप पैसे जीत गए, तो वो सब किस में कवर होता है? अदर गेम्स में। कहने का मतलब अगर आपकी कमाई जीतने से हुई है, ठीक है, तो जो जीतने से पैसे कमाएगा उसकी इनकम को क्या बोलेंगे? कैजुअल इनकम। सब लोगों को शायद क्लियर हो चुका होगा कि जैसे एग्जाम में वर्ड यूज करेंगे विनिंग, आपका दिमाग का हाथों हाथ दिमाग चलना चाहिए और आपको क्लियर हो जाना चाहिए, अरे ये इनकम तो कैजुअल है। चलो पता चल गई सर, अब उसका क्या? पता चल गई मुझे कि मेरी इनकम कैजुअल कहलाएगी क्योंकि वर्ड आगे विनिंग जुड़ा है। तो अब क्या? अब ये सब क्या क्या होगा?
अब अपन पढ़ने जा रहे हैं जो आपने पैसे जीते हैं उसका गवर्नमेंट क्या तरीका अपनाएगी जो बाकी से बिल्कुल अलग है। एक एक पॉइंट ढंग से समझते जाना बच्चों, ये गैप मैंने इसीलिए छोड़ा है ताकि सबको क्लियर कर सकूं। पहला, ये पांच एक तरह से नुकसान है बच्चों। क्या नुकसान है ट्रीटमेंट में? पहला, बेनिफिट ऑफ स्लैब रेट शैल नॉट बी अलाउड। क्या मतलब हुआ इसका बच्चों, समझो। एक दो दोस्त है, एग्जाम्पल वन एक्स और एक वाई। एक्स और वाई दो जने बच्चों। एक्स कहता है मैंने 6 लाख रुपए कमाए और वाई भी कहता है मैंने भी 6 लाख रुपए कमाए। एक्स को क्या होगा बच्चों, स्लैब रेट, मतलब ये जब सारे इनकम टैक्स के सारी टॉपिक में पढ़ा दूंगा तो मैं आपको टैक्स निकालना सिखाऊंगा, वहां मैं आपको बताऊंगा 6 लाख में पहले 2.5 लाख पर टैक्स नहीं लगता, बचे कितने 3.5, फिर अगले 2.5 लाख पे केवल 5% से रेट टैक्स लगता है, फिर 20% से लगता है, फिर 10 लाख से ज्यादा 30 पे लगता है। मतलब अगर मैं जॉब करके पैसे कमाता हूँ, बिजनेस एड में पैसे कमाता हूँ, मैं हाउस प्रॉपर्टी से पैसे कमाता हूँ, तो फिर उस केस में मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। जो मैं पैसे कमाता हूँ उसमें से 2.5 लाख पे टैक्स ही नहीं लग रहा, और लग रहा है तो केवल 5% 10%, इतनी कम रेट है। लेकिन वाई जो है उसने बोला कि मेरी 6 लाख तो कैजुअल इनकम है। गवर्नमेंट क्या कहती है, जो इंसान कैजुअल इनकम से पैसे कमाता है उसे स्लैब रेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब क्या हुआ बच्चों, एक और पॉइंट से समझो, जो इंसान साल में 2.5 लाख तक कमाता है उसको टैक्स नहीं लगता, क्योंकि पहले 2.5 लाख पे टैक्स रेट है 0। लेकिन वही इंसान 2.5 लाख अगर कैजुअल इनकम कमाता है तो उसे इस स्लैब का बेनिफिट नहीं मिलेगा। समझ में आया? ठीक है, तो पहला नुकसान क्या है कैजुअल इनकम का, एग्जाम में भी आप ध्यान रखोगे, जब बाकी इनकम उस स्लैब से निकालोगे, पहले 2.5 लाख में 0, अगले 2.5 लाख का 5%, बाकी इनकम तो स्लैब वाइज कैलकुलेट करोगे, लेकिन कैजुअल इनकम को साइड में लिख दोगे। जब आएगा तब बहुत क्लियर करूंगा, क्योंकि क्यों साइड में लिख दिया, क्योंकि स्लैब रेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, पहला नुकसान हो गया। पॉइंट नंबर टू कहता है फ्लैट टैक्स रेट शैल बी एप्लीकेबल, दैट इज 30%। बहुत ज्यादा है, मेरी बात समझो। वापस एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये एक्स और ये वाई, ये सैलरी से बिजनेस से जैसे भी कमाता है, मान लो 9 लाख रुपए कमाता है, और ये 9 लाख रुपए कमाता है, ये 9 लाख रुपए कमाता है कैजुअल इनकम से, और ये कमाता है सैलरी से। इस 9 लाख पे क्या होगा बच्चों पता है? एक्स कहेगा पहले 2.5 लाख पे टैक्स 0, अगले 2.5 लाख का 5% 12,500, अगले 4 लाख पर 20% 80,000, तो इसका टैक्स कितना हुआ 92,500। ये तो किसका हुआ? एक्स का। समझ में आ रहा है? एक्स ने बोला मेरा टैक्स है 92,500। क्लियर, फ्री हो गया। एक्स ने कहा मैंने साल में 9 लाख रुपए कमाए और 92,500 मैंने टैक्स भरा, फ्री हो गया 92,000। वाई ने भी बोला मैंने भी तो 9 लाख ही कमाए हैं तो मैं भी शायद यही टैक्स दूंगा। गवर्नमेंट ने कहा नहीं, एक तो स्लैब रेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो तो पहले पढ़ ही लिया, और दूसरा वार एक तरह से गवर्नमेंट ने क्या किया इस पर, बोला फ्लैट टैक्स रेट लगेगी 30%। इंडिया की हाइएस्ट टैक्स रेट भी 30% ही है, तो 9 लाख का 30% 2,70,000 रुपए टैक्स लगेगा। आप सोचो, कंपेयर करो, दोनों 9 लाख रुपए कमाते हैं लेकिन एक बंदा केवल 92,000 रुपीज टैक्स दे रहा है। कौन सा बंदा? जो जॉब से, हाउस प्रॉपर्टी से, बिजनेस से पैसे कमा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ बंदा जिसने लॉटरी से पैसे कमाए उसने टैक्स कितना दिया 2,70,000। क्यों? क्योंकि इस पे एक तो स्लैब रेट का बेनिफिट नहीं मिलता, दूसरा फ्लैट टैक्स रेट है 30%। दो पॉइंट खत्म। तीसरा नुकसान, नो बेनिफिट ऑफ डिडक्शन शैल बी अलाउड। क्या मतलब हुआ वो भी एग्जाम्पल से समझो। ये ए और बी दो जने, ए ने कहा मेरी इनकम बिजनेस से आए 3 लाख, बी ने बोला मेरी कैजुअल इनकम है 3 लाख। ए ने कहा यार मेरी इनकम 3 लाख है, 2.5 लाख से ज्यादा है, तो मैं तो एक काम करता हूं,
LIC करवा लेता हूँ, बच्चों की मेडिकल इंश्योरेंस करा देता हूँ, उससे क्या होगा, डिडक्शन मिलेगा। सेक्शन 18 में सब ये पढ़ाने के बाद आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जिसमें कई तरह के ऑफर दिए गए हैं आप लोगों को, जहां आप लोग गवर्नमेंट की बताई गई जगह पे पैसे लगाओ, जितना पैसा लगाओगे उस पर टैक्स नहीं लगता। तो फिर ए ने तो समझदारी करी, अपने बच्चों की LIC करा ली 50,000 की। अब कितनी, 50,000 का क्या मिल गया, डिडक्शन, और अब उसकी इनकम कितनी है, 2.5 लाख। ए बोल रहा है मेरी इनकम तो 2.5 लाख है और 2.5 लाख तक टैक्स नहीं लगता। ए को तो मजे आ गए। बी बोला कि मैं भी अपने बच्चों की इंश्योरेंस करा देता हूं। गवर्नमेंट कहती है भले ही आप इंश्योरेंस कराओ, आपको सेक्शन 80 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो तीसरा नुकसान कैजुअल इनकम पे है वो ये, किसी भी प्रकार की लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, जो भी सेक्शन 80 में फायदे दिए गए हैं, उसका फायदा भी कैजुअल इनकम पर नहीं मिलता। बच्चों ये प्रैक्टिकल में बड़ा काम आएगा। आप इस कैजुअल इनकम पर ना तो कोई डिडक्शन लेस करोगे, ना स्लैब रेट का बेनिफिट दोगे, डायरेक्ट 30% से टैक्स लोगे। समझ में आया? तीसरा नुकसान खत्म। चौथा नुकसान जो कैजुअल इनकम का है वो क्या है, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड ऑफ एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड। क्या मतलब हुआ सुनो, ये मान लो मैं हो गया और ये मान लो मेरा दोस्त हो गया, मैं कमाता हूं आपको ट्यूशन से पैसा, ट्यूशन पढ़ाकर, मान लो मैंने कमाए, आपकी फीस आई 1 लाख रुपए, वही मेरा दोस्त जो है वो कमाता है लॉटरी से, उसके पास पैसे आए 1 लाख रुपए, मेरी फीस है और उसके लॉटरी का अमाउंट है। ट्यूशन पढ़ाने के लिए मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट भी लिया था, फर्नीचर भी खरीदा था, कई खर्चे किए थे, जिसमें मेरा खर्चा लग गया था 40,000। तो गवर्नमेंट मेरे को क्या बोलेगी, 40,000 खर्चा लगा, कोई बात नहीं, फीस कितनी आई 1 लाख, 40,000 खर्चे को फीस में से करो लेस, हमें तो आपकी इनकम पे ही टैक्स चाहिए। तो मेरे को तो अच्छा मजा आ गए, गवर्नमेंट मेरे से केवल 60,000 पे टैक्स लेगी। गवर्नमेंट कहती है नहीं, जो बंदा ढंग से पैसे कमाएगा उसको उसके खर्चे का बेनिफिट मिलेगा, और इनकम टैक्स मतलब टैक्स ही इनकम पे लगता है, तो मेरी इनकम कितनी है, 60,000। मेरे दोस्त ने भी ये बोला कि यार लाख रुपए की लॉटरी आई है, निकली जरूर है, लेकिन 40,000 रुपए की लॉटरी खरीदी भी तो थी मैंने, तो 40 की लॉटरी खरीदी, 1 लाख की लॉटरी खुली, तो फायदा तो मेरा 60,000 का ही हुआ, तो मेरे ऊपर भी 60,000 पे टैक्स लो। गवर्नमेंट कहती है यहां नहीं, ऐसा नहीं होगा, जो बंदा कैजुअल इनकम कमाता है उस बंदे कान खोल के सुन ले, उसको किसी प्रकार के खर्चे का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपको एग्जाम में क्या याद रखना है, इस बेचारे की अभी इनकम कितनी कहलाएगी, 1 लाख, कोई खर्चा इसकी इनकम में से लेस नहीं होगा, ना खर्चा लेस हो रहा है, ना डिडक्शन लेस हो रहा है, ना कोई फ्लैट रेट स्लैब रेट का बेनिफिट मिल रहा है, और फ्लैट रेट 30% लग रही है। समझ में आ रहा है? 4 पॉइंट हुए। पांचवा नुकसान, नो बेनिफिट ऑफ सेट ऑफ ऑफ लॉसेस। मतलब क्या हुआ सुनो, मान लो मेरे 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट है, 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट से तो मैंने 2 लाख रुपए अर्न कर लिए, ठीक है, कमा लिए, दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट कोरोना की वजह से बंद रहा, वहां पे मैंने 1.5 लाख का लॉस खाया, ठीक है। तो गवर्नमेंट मेरे को क्या बोलती है, अच्छा एक बिजनेस से प्रॉफिट हुआ, एक बिजनेस से लॉस, कोई बात नहीं, ये 5 हेड खत्म हो जाए, मैं आपको एक नया चैप्टर पढ़ाऊंगा, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, वहां आपको पढ़ाऊंगा कि इस लॉस का इस प्रॉफिट में क्या मिल जाएगा, डिडक्शन, और मेरी इनकम केवल कितनी कहलाएगी, 50,000 रुपए। गवर्नमेंट मेरे को बोलेगी नहीं, हमें आपके लॉस पे टैक्स नहीं चाहिए, आपका लॉस इस प्रॉफिट से क्या हो जाएगा, सेट ऑफ, तो टैक्स कितने पे लगेगा, केवल 50 पे। वहीं दूसरी तरफ आपने KBC से तो जीत लिए 3 लाख और लॉटरी में कमा दिए, गवा दिए 2 लाख, तो नेट तो 1 लाख ही कमाया आपने, और आपने बोला ठीक है भाई, खर्चा लेस नहीं करते, डिडक्शन लेस नहीं करते, लॉस तो सेट ऑफ करो। गवर्नमेंट कहती है नहीं, कैजुअल इनकम में कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं होगा,
कोई लॉस सेट ऑफ नहीं होगा, इसका मतलब आपको अभी भी 3 लाख पर ही टैक्स लगेगा। तो देख रहे हो आप कैजुअल इनकम का लॉस, आपको एग्जाम में ये सारे पॉइंट ध्यान रखना है। जब एग्जाम में प्रैक्टिकल छोटा बड़ा क्वेश्चन आए, क्या ध्यान रखना है, कैजुअल इनकम 7 प्रकार की होती है जिसमें आगे विनिंग वगैरह लिखा हुआ होगा। क्या करना है, ना तो स्लैब रेट का बेनिफिट देना है, कैसे नहीं देना ये आगे लंबा टॉपिक और आएगा। दूसरा, फ्लैट टैक्स लगेगा 30%, समझ में आया, सीधा 5 रुपए भी कमाते हो तो भी 30%, सबसे खास बात यह है। तीसरा पॉइंट, कोई भी डिडक्शन लेस नहीं होगा LIC वेलआईसी का कोई भी। चौथा, खर्चे को भी इनकम से लेस नहीं करते। और पांचवा, लॉस हुआ कहीं और आप चाहते हो सेट ऑफ मिल जाए, नहीं मिलेगा। तो ये था बच्चों आपका टॉपिक कैजुअल इनकम, ये पूरा समझ लो, कुछ ज्यादातर थ्योरेटिकल है लेकिन फिर भी समझना जरूरी है। इसके बाद अपन थर्ड टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज गिफ्ट। ठीक है, चलिए।